गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम एक और लेटर लिखना सीखेंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये पत्र लिखना सिखा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और लिखने की कोशिश करें। चलिए, तो हमारे सामने एक प्रश्न दे रखा है बच्चों। Imagine that you are Mukesh Kumar. Imagine that, मान लीजिए या कल्पना कीजिए, you are Mukesh Kumar, आपका नाम मुकेश कुमार है और भरतपुर, और आप भरतपुर के रहने वाले हैं। Write a letter, एक पत्र लिखिए to your father, अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए टू अलाउ यू, कि आपको अलाउ करे टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर पर जाने के लिए। आपके स्कूल एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रही है और आप एजुकेशनल टूर पर जाना चाहते हैं। आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और उनसे परमिशन मांगिए टूर पर जाने के लिए। इसकी जगह बच्चों एग्जाम में हिस्टोरिकल टूर भी दिया हुआ हो सकता है, जो आपकी स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। हमेशा पहले आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद में आप लेटर लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो हम लेटर लिखते हैं। आपको पता है लेटर लिखने के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है बच्चों, तो मेरे जो लेटर राइटिंग के वीडियोस बना रखे हैं, इसका जो पार्ट 1 है उसे आप ध्यान से देखिए। पहला स्टेप, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति अपना स्वयं का एड्रेस लिखता है, या हम अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, 35 गांधी नगर भरतपुर। पहली लाइन में गली मोहल्ले कॉलोनी का नाम लिखेंगे, दूसरी लाइन में हम प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ से हम लेटर को लिख रहे हैं, तीसरी लाइन के अंदर डेट लिखी जाएगी 21 जनवरी 2021। फिर लिखेंगे माय डियर फादर, सैल्यूटेशन, उन्हें सम्मान में संबोधित करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड्स यू नाइस हेल्थ, मेरा ये पत्र आपको जब प्राप्त होगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट Our school is organizing an educational tour to Chittor, Haldighati and Ranthambore. I want to inform you, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, that कि our school, हमारी school is organizing, organize कर रही है, आयोजित कर रही है an educational tour. एक एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण टू चित्तौड़, हल्दीघाटी एंड रणथंबोर। इन स्थानों पर स्कूल के बच्चे घूमने के लिए एजुकेशनल टूर पर जाएंगे। इसकी जगह बच्चों अगर एग्जाम में आपको दिया जाता है हिस्टोरिकल टूर, तो आप एजुकेशनल की जगह हिस्टोरिकल लिख दीजिए। You know, आप जानते हैं, these places have historic importance. आप जानते हैं पिताजी, ये जो ऊपर places बताए गए, स्थान बताए गए हैं, जिसमें चित्तौड़, हल्दीघाटी और रणथंबोर, have historic importance, इनका ऐतिहासिक महत्व है। These places, ये स्थान
आर सिंबल्स ऑफ सेक्रीफाइस। सिंबल्स का मतलब होता है बच्चों प्रतीक, और सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान। ये स्थान प्रतीक हैं हमारे बलिदान के, एंड प्राइड ऑफ आवर पास्ट ग्लोरी, और हमारा गर्व, हमारा गुरूर, हमारा भूतकाल है। उस भूतकाल का जो वैभव था हमारे देश की, जो ग्लोरी थी, उस ग्लोरी के ये प्रतीक हैं ये स्थान। दिस टूर विल ग्रेटली एड माई जनरल नॉलेज। ये स्थान, दिस टूर, यह टूर विल ग्रेटली एड, बहुत अधिक एड करेगा, वृद्धि करेगा माई जनरल नॉलेज, मेरे सामान्य ज्ञान में। इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चों सुअवसर। यह बहुत अच्छा सुअवसर है फॉर मी, मेरे लिए। टू सी, देखना, द प्लेसेस, इन स्थानों को, वेयर, जहां द रियल हीरोज ऑफ अवर नेशन, हमारे देश के वास्तविक हीरोज बॉर्न, जन्मे थे। प्रिय पिताजी, ये स्थान देखना मेरे लिए एक सुअवसर है, जहां हमारे देश के रियल हीरोज का जन्म हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, लगभग सारे ही विद्यार्थी ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास के, आर गोइंग, जा रहे हैं ऑन दिस टूर, इस टूर पर। मेरी क्लास के लगभग सारे ही विद्यार्थी इस टूर पर जा रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ। आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मैं आशा करता हूँ। यू विल ग्रांट योर परमिशन, आप अपनी परमिशन देंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं आशा करता हूँ आप अपनी परमिशन देंगे टू ज्वाइन द टूर, इस टूर को ज्वाइन करने के लिए। एंड और सेंड मी, मुझे भेजेंगे 3000 रुपीज, 3000 रुपये। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ योर इमीडिएट रिप्लाई, आपके तुरंत प्रतिउत्तर का। पे माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना टू माय मदर, मेरे माताजी को, एंड लव टू माय डियर सिस्टर आर्या, और मेरी छोटी बहन आर्या को प्रेम करना। लास्ट में हम यहाँ पर कर्टियस लीव टेकिंग करेंगे, विदाई लेंगे। योर्स लविंगली, आपका प्रिय पुत्र, और फिर हम नाम लिख देंगे जो लिखने वाला है, मुकेश। इस तरह से बच्चों लेटर राइटिंग के 5 मुख्य भाग होंगे, और हम इस तरह से बहुत ही सरल भाषा में पत्र को लिखेंगे। आप इसे एक दो बार सुने, समझें। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।